एक और देखो, एक और क्वेश्चन देखो, आइए इसकी वैल्यू निकालें। क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ 6 लॉग एट द बेस रूट 6 ऑफ 3 प्लस लॉग एट द बेस रूट 3 ऑफ 9 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 और प्लस लॉग एट द बेस 1 बाय 3 ऑफ 1 अपॉन 7 प्लस 2 रूट 10। 9 ही प्रॉपर्टी है, अपन सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, आइए उन प्रॉपर्टी का यूज करके इसको मैनिपुलेट करें। अंग्रेजों की नीति लगाओ, पूरा एक साथ मत खेलो, टर्म बाय टर्म खेलो। पहले आप पहला टर्म देखिए, 6 log at the base root 6 of 3 है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो log at the base 6 की पावर हाफ ऑफ 3 है, तो ये चीज बन जाएगी 6 1 बाय हाफ log at the base 6 ऑफ 3 बन जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी 6 2 log at the base 6 ऑफ 3 बन जाएगा, जो कि बन जाएगा 6 log at the base 6 ऑफ 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9। एक एक टर्म को मैनिपुलेट करना है। क्या पहले टर्म का मैनिपुलेशन बिल्कुल क्लियर है? कहीं कोई बात जो ना समझ में आई हो? पक्का ओके। सेकंड टर्म देखो। अच्छा, मेरे मन में चल रहा है कि यहां पर भी 3 का रूट है, यहां 1 बाई 3 है, तो क्या हम दोनों का बेस सेम कर सकते हैं? मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड टर्म तो 9 आ गया। सेकंड और थर्ड टर्म को जरा एक साथ देखो, लॉग एट द बेस रूट 3 9 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस लॉग एट द बेस 1 बाई 3 1 अपॉन 2 रूट। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, तो रूट 3 का मतलब 3 की पावर हाफ हो गया, और रूट दिख रहा है तो मन में रेशनलाइज करने की इच्छा भी उमड़ रही है, रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई रूट दिखेगा तो रेशनलाइज करने की इच्छा एक बार आनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा क्वेश्चन तो हम सोचेंगे क्या रेशनलाइज करने से फायदा हो सकता है, और यहां आ जाएगा 1 अपॉन 7 प्लस 2 रूट 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस 2 रूट 10 अपॉन 7 प्लस 2 रूट 10 से। आइए देखिए कहां, हाँ बिल्कुल 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 रेशनलाइज कर रहे हैं तो 7 माइनस 2 रूट 10, यहां पर 3 की पावर हाफ तो 1 अपॉन हाफ बाहर आ जाएगा, लॉग एट द बेस 3 हो जाएगा, यहां पर रूट 5 माइनस रूट 2 तो 9 टाइम्स रूट 5 माइनस रूट 2 ऊपर आ जाएगा और 5 बाई 3 नीचे आ जाएगा, प्लस यहां प्लस 1 अपॉन माइनस 1 नीचे आ जाएगा, लॉग एट द बेस 3 ऊपर की ओर देखो ध्यान से, ऊपर कितना आएगा 7 माइनस 2 रूट 10 निकल के आ जाएगा, जबकि नीचे 9 आ जाएगा। क्या गाड़ी पहुंची? यहां पर ये चीज 2 हो जाएगी। आराम से स्टेप बाय स्टेप करें, बच्चे क्या करते हैं जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में है नहीं सारे, देखो 9 प्रॉपर्टी के अलावा और कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का ढंग से इस्तेमाल करो। 3 से 9 कट जाएगा तो 3 टाइम्स रूट 5 माइनस रूट 2 निकल के आ जाएगा, ये माइनस टाइम्स लॉग एट द बेस 3 ऑफ आपके पास केवल 7 माइनस 2 रूट 10 बाई 9 आ जाएगा। सही कह रहा हूं, यहां 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहीं पर देखिए मैं यहां थोड़ा इस जगह ले जा रहा हूं, देखो ध्यान से इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो लॉग एट द बेस 3 ऑफ इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये बन जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग एट द बेस 3 ऑफ 7 माइनस 2 रूट 10 होल डिवाइड बाय 9। कोई दिक्कत? आइए इज इक्वल टू लॉग एट द बेस 3, लॉग ए माइनस लॉग बी 9 रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देंगे तो 7 माइनस 2 रूट 10 और इनटू यहां पर 9 आ जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? एक एक स्टेप पर ध्यान देना है, एक एक स्टेप। लॉग एट द 9 9 से 81 निकल के आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, इसका होल स्क्वायर 7 माइनस 2 रूट 10 ही हो जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 माइनस 2 कट गया, लॉग एट द बेस 3 ऑफ 81 4 निकल गया भाई, तो कट गया, केवल क्या बचा लॉग एट 81, इसकी वैल्यू 9 आई, इसकी वैल्यू 4 आई, तो कुल मिला के पूरे की वैल्यू 13। कॉपी कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। बोलता है विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, लॉग एट द बेस 3 of 5 और लॉग एट द बेस 17 of 25। आइए इसकी बात करते हैं। अब एक्चुअली तरीका यूं है कि लॉग को कंपेयर करने के लिए या तो बेस सेम करो या नंबर सेम करो। लॉग को कंपेयर करने के लिए या तो बेस सेम करो या नंबर सेम करो। अब मेरे मन में आ रहा है या तो भैया दोनों के नंबर सेम कर दूं या तो भैया दोनों के बेस सेम कर दूं। अब 3 का तो 17 बनने से रहा, लेकिन 5 का स्क्वायर करके 25 जरूर बन सकता है। तो आओ तुलना करें। लॉग एट द बेस 17 of 25 पढ़ा है, पढ़ा रहने दो। यहां देखो, लॉग एट द बेस 3 of 5 दिख रहा है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, तो यहां बन जाएगा लॉग एट द बेस 3 square of 5 square। तो यहां बन जाएगा लॉग एट द बेस 9 of 25। एक ही चीज लिखी हुई है, चाहे लॉग 3 5 लिख दो, चाहे लॉग 9 25 लिख दो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, तो यहां आ जाएगा लॉग एट द बेस 17 of 25। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का नंबर तो सेम ही है, तो बेस अगर बड़ी होगी तो लॉग छोटा हो जाएगा। भाई लॉग का मतलब क्या है, 9 को कौन सी पावर चढ़ाऊं कि 25 आ जाए। यहां क्या पूछ रहा हूं, 17 को कौन सी पावर चढ़ाऊं कि 25 आ जाए। भाई बड़े नंबर को छोटी पावर चढ़ाने पर ही 25 आ जाएगा, और छोटे नंबर को थोड़ी बड़ी पावर चढ़ाना पड़ेगा सेम नंबर लाने के लिए। तो लॉग एट द बेस 9 of 25 लॉग एट द बेस 17 of 25 से बड़ा होगा। कंपेयर करने के लिए आमतौर पर या तो नंबर को सेम करने या बेस को सेम कर। कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखो, मैनिपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और साथ में यह भी सोचना है कि आपसे क्यों नहीं हुआ या मैं क्या एक्स्ट्रा कर रहा हूं जिसके कारण यह क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं। वही 9 की 9 प्रॉपर्टी है और उसके बाद मैनिपुलेशन है। चलिए अब सॉल्व आउट करते हैं। इसके अंदर भी टर्म बाय टर्म सॉल्व करेंगे। इस टर्म को देखो तो 5 लॉग एट द बेस 5 की पावर -1 2 की पावर -1, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, तो -1 upon -1 लॉग एट द बेस 5 of 2, जो कि बन जाएगा 5 की पावर लॉग एट द बेस 5 of 2, जो कि निकल के आ जाएगा 2। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर एक साथ दो काम करते हैं। लॉग एट द बेस 2 की पावर ½ हो गया। डिनोमिनेटर में अगर रूट दिखाई पड़े, तो ज्यादा बेहतर रहता है कि आप उसको रेशनलाइज कर लीजिए। आमतौर पर रेशनलाइजेशन बनाया ही गया है डिनोमिनेटर से रूट हटाने के। ये आ गया, एक एक टर्म करके देखो, तो यहां 1 upon ½ बाहर निकल के आ जाएगा। यहां आ जाएगा लॉग एट द बेस 2 4 times √7 - √3 और यहां पर 4 ही आ जाएगा निकल के, तो 4 से 4 पूरा कट जाएगा। ये बन जाएगा 2 times लॉग एट द बेस 2 of √7 - √3। तो यहां पर इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, लॉग एट द बेस 2 of √7 - √3 का होल स्क्वायर। एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करो तो इसका होल स्क्वायरिंग करेंगे तो बन जाएगा लॉग एट द बेस 2 of √a² + b² (7, 10 - √21)। क्या इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया, और तो बहुत ज्यादा है नहीं, यहां पर आ जाइए। प्लस इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग एट द बेस 2 की पावर -1 और 10 + √21 की पावर -1। तो यहां पर -1 upon -1 बाहर आ जाएगा, लॉग एट द बेस 2 of 10 + √21 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा लॉग एट द बेस 2 of 10 + √21 बन जाएगा। सीधे यहां कॉपी कर रहा हूं, लॉग एट द बेस 2 of 10 + √21। यहां पर सिंप्लीफाई करना है, ढंग से अलजेब्रा लगानी है। ये 2 आ गया, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे
तो log एट दी बेस 2 ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 10 माइनस 2 रूट 21 इंटू 10 प्लस 2 रूट 21 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 60। तो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 6। कॉपी कर लीजिए। अभी अपन ने ग्रेटर देन क्वेश्चन किया तो वापस से क्वेश्चन है विच इज स्मॉलर, छोटा कौन है, 2 और log एट द बेस पाई ऑफ 2 प्लस log एट द बेस 2 ऑफ पाई। बिल्कुल ध्यान देंगे इस सवाल पर और यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक खास बात आएगी। जरा इस चीज को देखो आप, अगर इस चीज को देखो तो log एट द बेस पाई ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन log एट द बेस पाई ऑफ 2 लिख सकते हैं, कोई खास बात तो है नहीं। अच्छा, ये समथिंग प्लस समथिंग का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, जो चीज है उसी का रट लो जीवन भर के लिए। अगर कभी तुम्हारे पास समथिंग प्लस समथिंग का रेसिप्रोकल है तो वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होगा अगर x पॉजिटिव है। और ये चीज समथिंग प्लस समथिंग का रेसिप्रोकल माइनस 2 या उससे छोटा ही होगा अगर x नेगेटिव है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 साल की प्रिपरेशन में कम से कम 100 बार इसका यूज आएगा, 100 बार। समथिंग प्लस समथिंग का रेसिप्रोकल 2 या 2 से बड़ा ही होता है अगर x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। उसको प्रूव करें, ऊपर वाला प्रूव कर रहा हूं, ध्यान देखो। अगर x पॉजिटिव है तो इसको y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स। तो ये चीज बन जाएगी रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ये शुरू के 3 टर्म हमने कंबाइन कर दिए। अब किसी भी चीज का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी 0 या उससे बड़ी ही होगी। तो अगर 2 में कुछ ना कुछ जोड़ ही रहे हो तो ये क्वांटिटी 2 से बड़ी ही होगी। अच्छा, ये क्वांटिटी 2 कब होगी? जब x को 1 लोगे, जब x को 1 लोगे, 1 पर ये चल, ये चीज 1 तो होगी नहीं। तो समथिंग प्लस समथिंग का रेसिप्रोकल 2 से बड़ा ही होगा। बिल्कुल रट रो ये बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि 11th और 12th में इस बात का यूज, ये मतलब मैं लिख के दे सकता हूं कम से कम 100 बार आएगा कि समथिंग प्लस समथिंग का रेसिप्रोकल 2 या 2 से बड़ा ही होगा अगर x पॉजिटिव है। ऐसे मैं आपके प्रूफ करने के लिए छोड़ता हूं कि आप इसको प्रूफ कर लेंगे। समथिंग प्लस समथिंग का रेसिप्रोकल माइनस 2 से छोटा ही होगा अगर x नेगेटिव है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मन मंदिर में बसा लो कि समथिंग प्लस समथिंग का रेसिप्रोकल या तो 2 या 2 से बड़ा या माइनस 2 और माइनस 2 से छोटा। कॉपी कर लीजिए। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी लॉग में आते हैं। इसको देखो, क्वेश्चन कहता है इफ log at the base 2 of 3 is a, log at the base 3 of 5 is b, and log at the base 7 of 2 is c. Find log at the base 140 of 63 in term of a, b, c. आओ इस प्रकार के क्वेश्चन करने की मैं आपको थोड़ा सोच बताऊं। अच्छा देखो, जो लॉग आपको गिवन है, जो लॉग आपको गिवन है, ध्यान सुनो, जो लॉग आपको गिवन है उनमें कितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व है? 4, 2, 3, 5, 7। कोई भी एक प्राइम नंबर को बेस मान लो। हमारे पास जो लॉग आपको गिवन है उनमें 4 प्राइम नंबर इन्वॉल्व है। किसी भी एक को बेस मान के बाकी सबका लॉग निकाल लो। देखो
लॉग एट द बेस टू ऑफ थ्री तो ए दे ही रखा है। मान लो हम टू को बेस मान लेते हैं, किसी भी एक को बेस पकड़ लो, टू को बेस पकड़ लो। चलो अब मुझे थ्री फाइव और सेवन का लॉग चाहिए, कौन सी बेस पर, टू पर। तो थ्री का तो आ गया भैया, दे ही रखा है, और इसके साथ खेले लॉग एट द बेस थ्री ऑफ फाइव भी दे रखा है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएं, लॉग एट द बेस टू ऑफ फाइव लॉग एट द बेस टू ऑफ थ्री बी हो जाएगा, लॉग एट द बेस टू ऑफ थ्री ए दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो लॉग एट द बेस टू ऑफ फाइव ए बी हो गया। तो बेस टू पर थ्री का लॉग भी पता लग गया और बेस टू पर फाइव का लॉग भी पता लग गया, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखो लॉग एट द बेस सेवन ऑफ टू सी दे रखा है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, लॉग एट द बेस टू ऑफ सेवन सी आ जाएगा, यानी मुझे लॉग एट द बेस टू ऑफ सेवन की वैल्यू भी पता लग गई। तो मेरे को हर नंबर का लॉग कौन सी बेस पर पता, टू पर पता। अब मुझे ये चीज निकालनी है तो इसमें भी सबको बेस टू पर तोड़ दो। लॉग एट द बेस 140 ऑफ 63 है तो लिख दो लॉग एट द बेस 2 ऑफ 63 लॉग एट द बेस 2 ऑफ 140। तो अच्छा 63 को क्या लिख सकते हो, हाँ 7 इंटू 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ। लॉग एट द बेस 2 140 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 20 20 यानी 5 इंटू 2 का स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो यहां से बेटे निकल के आएगा लॉग एट द बेस 2 ऑफ 7 प्लस 2 टाइम्स लॉग एट द बेस 2 ऑफ 3, नीचे निकल के आएगा लॉग एट द बेस 2 ऑफ 7 लॉग एट द बेस 2 ऑफ 5 प्लस 2। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया? बस अब तो मुझे सिर्फ एक शब्द कहना पड़ेगा, पीवीएम, पीएजी, पुट एंड गेट। आपको लॉग एट द बेस 2 ऑफ 3 की वैल्यू पता है क्योंकि मुझे सब कुछ बेस 2 पर पता था तो मैंने इसको भी कन्वर्ट किया बेस 2 पर और प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, यहां पर भी सारे प्राइम नंबर थे। अब मुझे लॉग एट द बेस 2 ऑफ 3 भी पता है, लॉग एट द बेस 2 ऑफ 5 भी पता है, लॉग एट द बेस 2 ऑफ 7 भी पता है, पुट एंड गेट। कॉपी कर लीजिए, किसी एक को बेस मानो। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखिए, क्वेश्चन सेम है, कहता है इफ log at the base 6 of 15 is alpha and log at the base 12 of 18 is beta, show log at the base 25 of 24 is a 5 minus beta, hey bhagwan, 2 alpha beta plus 2 alpha minus 4 beta plus 2। कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी चीज प्रूव करनी है, आओ इसको प्रूव करते हैं। वापस देखो, इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, 6, 15, 12, 18 चार नंबर है, आपको कितने लॉग गिवन है, 2 लॉग की वैल्यू गिवन है, कितने लॉग की वैल्यू गिवन है, 2 लॉग की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको 2 लॉग की वैल्यू गिवन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस चीज को थोड़ा और ध्यान देखें, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3, 15 का क्या होगा, 5 इंटू 3, 12 का क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 का क्या होगा, 3 स्क्वायर इंटू 2। अगर आप प्राइम नंबर देखो तो केवल 3 ही प्राइम नंबर इन्वॉल्व है। रियल में बात यह होती है कि जितने लॉग गिवन होते हैं उससे एक ज्यादा प्राइम नंबर इन्वॉल्व होता है, जितने लॉग गिवन होते हैं उससे एक ज्यादा प्राइम नंबर इन्वॉल्व होता है। पिछली बार 3 लॉग गिवन थे तो 4 प्राइम नंबर इन्वॉल्व थे, इस बार 2 लॉग गिवन है तो 3 प्राइम नंबर इन्वॉल्व है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन पर जाओ, ये इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सबसे वर्सिटाइल, सबसे बेहतर तरीका है, 3 प्राइम नंबर इन्वॉल्व है। अब भाई साहब किसी भी एक प्राइम नंबर को बेस ले लो, 2 को बेस ले लो, 3 को बेस ले लो, 5 को बेस ले लो, हार्डली मैटर्स। और बचे हुए प्राइम नंबर का लॉग निकालो, किस बेस पर, 2 की बेस पर। अब जरा इधर बोर्ड पर देखो, मैं थोड़ी देर के लिए
log एट द बेस 2 ऑफ 3 को a एज्यूम कर लेता हूं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और log एट द बेस 2 ऑफ 5 को b एज्यूम कर लेता हूं, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। अब इधर देखो, अल्फा को देखो, अल्फा किसके बराबर है, log एट द बेस 6 ऑफ 15, इसको लिखेंगे log एट द बेस 2 ऑफ 3 इंटू 5 अपॉन log एट द बेस 2 ऑफ 2 इंटू 3, सही कह रहे हैं, यानी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अब देखिए ध्यान से, a प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए, क्या अल्फा की वैल्यू आई, क्योंकि मैंने ये एज्यूम कर लिया। आइए बीटा को लिखें हम लोग, बीटा log एट द बेस 12 ऑफ 18 की बात करें तो ये आ जाएगा log एट द बेस 2 ऑफ 18 अपॉन log एट द बेस 2 ऑफ 12, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, log एट द बेस 2 ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 2, log एट द बेस 2 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3, तो ये चीज बन जाएगी 2a प्लस 1 अपॉन 2 प्लस a, सही कह रहा हूं, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे, बीटा की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अप्रोच मन में समझ में आ रही है, आओ यहां से पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2a प्लस 1 2 बीटा प्लस a बीटा, यानी 2a माइनस a बीटा इज 2 बीटा माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस बीटा, क्या a की वैल्यू पता लग गई केवल बीटा के टर्म में, आइए b की वैल्यू निकाल लें, इधर से देखो 1 प्लस a इंटू अल्फा माइनस a की वैल्यू b हो जाएगी, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1 2 माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, a का मतलब वापस से मैं यहां वैल्यू पुट कर दूंगा 2 बीटा माइनस 1 2 माइनस बीटा, सही कह रहा हूं, क्या अब जो गंदा गंदगी है, क्या a और b की वैल्यू केवल मुझे अल्फा बीटा के टर्म में पता लग गए, इसको आप एलसीएम एलसीएम लिखकर और सिंपलीफाई कर लीजिए। अब आइए जो चीज आपको निकालनी है, आपको क्या निकालना है, log एट द बेस 25 ऑफ 24 निकालना है, अपने को बेस 2 पर सब कुछ पता है, तो log एट द बेस 2 ऑफ 24 कितना हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3, सही कह रहा हूं मैं, नीचे log एट द बेस 2 ऑफ यस, तो ये चीज बन जाएगी 3 प्लस ए अपॉन 2 बी, वापिस से मैं कहूंगा पाग पुट एंड गेट, क्या a की वैल्यू हमने अल्फा बीटा के टर्म में निकाल ली, क्या b की वैल्यू अल्फा बीटा के टर्म में निकाल ली, रख देंगे तो log एट द बेस 25 ऑफ 24 पूरी तरह किसके टर्म में आ जाएगा, अल्फा बीटा के टर्म्स में, क्लियर हुआ क्वेश्चन, हर बार ऐसे ही खेलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और एक प्राइम नंबर को बेस लेकर बाकी सबका लॉग उस बेस पर पहले निकाल लेते हैं, काम आसान हो जाता है, कॉपी कर लीजिए। आज अपन एक और नया डायमेंशन लॉग का डिस्कवर करने जा रहे हैं, आज सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ये भाई दबे इजी है और सिंपल सा है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, सुनते हो बिल्कुल ध्यान से, जैसे log एट द बेस 2 ऑफ 7 की वैल्यू होती है 2.732, log एट द बेस 3 ऑफ 10 की वैल्यू होती है 2.114, जैसे log एट द बेस 5 ऑफ 27 की वैल्यू होती है 2.102, जैसे log एट द बेस मान लीजिए 7 ऑफ 21 की वैल्यू होती है 1.439, ये कुछ log लिखे, जरूरी नहीं एक्यूरेट हो, मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए, इन्हीं के आसपास होने चाहिए, ये हमने कुछ log लिख दिए, जैसे मान लीजिए log एट द बेस बात करें हम लोग 4 ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5 0.5 हो जाएगी, सिंपल, कोई खास बात नहीं। अच्छा जैसे हम बात करें कि log एट द बेस 3 ऑफ 81, इसकी वैल्यू कितनी होगी
4.0। जैसे हम बात करें logarithmic 2 ऑफ 8 3.0 एंड सो कोई खास बात नहीं है। जैसे हम बात करें log एट दी बेस, मान लीजिए हम बात करें 4 ऑफ 8 तो 1.5। अब समझो जब भी आप किसी भी नंबर का log लेंगे तो कोई ना कोई बेस होगी होगी। भाई log के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो log का नंबर होगा और log का बेस होगा। और ये log की क्या निकल के आ गई, वैल्यू। log की क्या निकल के आ गई, वैल्यू। बहुत लल्लू है log की वैल्यू का। log की वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट, वो कहलाता है मैंटिसा। जैसे log 2, log एट द बेस 2 ऑफ 7 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2, मैंटिसा कितना है 0.732। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 + 0.732। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मैंटिसा, इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शन पार्ट मैंटिसा। यहां पर इसको क्या लिखेंगे, 2 + 0.114। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया मैंटिसा। यहां पर इसको क्या लिखोगे, 2 + 0.102। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मैंटिसा। यहां पर इसको क्या लिखोगे, 1 + 0.439। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मैंटिसा। इसको क्या लिखोगे, 0 + 0.5। अब इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं तो मैं क्या करूं, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मैंटिसा। इसको क्या लिखोगे, 4 + 0। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो अपना क्या जा रहा है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मैंटिसा। इसको क्या लिखोगे, 3 + 0। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मैंटिसा। अब यार किसी का इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो इंटीग्रल पार्ट जीरो क्या कर सकते हैं, किसी का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो फ्रैक्शन पार्ट जीरो। और जहां इंटीग्रल और फ्रैक्शन पार्ट दोनों होगा दोनों आ जाएगा। यहां पर देखिए इसको लिख सकते हो 1 + 0.5, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया मैंटिसा। लॉग का जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, और लॉग का पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट क्या कहलाता है, मैंटिसा। क्या बात समझ में आई, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा ट्विस्ट है। मान लीजिए लॉग एट द बेस या बी की वैल्यू -2.7 है, क्या है -2.7। अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट, कैसा फ्रैक्शन पार्ट, पॉजिटिव। इसको लिखेंगे -2 - 0.7। लेकिन ये तो नेगेटिव फ्रैक्शन पार्ट है, जब भी फ्रैक्शन पार्ट नेगेटिव आ जाए तो 1 जोड़ दो 1 घटा दो, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव फ्रैक्शन 0.3 बन जाएगा, और -2 - 1 - 3 बन जाएगा। अब ये होगा कैरेक्टरिस्टिक और ये होगा मैंटिसा। ध्यान देना, बहुत सिंपल सा, कोई विशेष बात नहीं। सुनो, पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट को मैंटिसा कहते हैं। किसको मैंटिसा कहते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटिसा कहते हैं। इसको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ध्यान समझे। सुनो, जब नंबर पॉजिटिव है तो कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है, मैंटिसा भी पॉजिटिव है, लेकिन मैंटिसा का भी नेगेटिव नहीं होता। बिल्कुल ध्यान सुनो, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्या ये सिंबल हम समझते हैं, बिलोंग्स टू। कैरेक्टरिस्टिक कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जबकि जो मैंटिसा है वो पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट है, वो जीरो तो हो सकता है लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंटिसा हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, मैंटिसा हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। अगर आपका लॉग नेगेटिव आ रहा है तो आप मैंटिसा को पॉजिटिव बनाएंगे। मैंटिसा मींस द पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट। इसकी एक मैंने ट्रिक बना रखी है, सिंपल सी ट्रिक है। जैसे मान लीजिए लॉग एट -3.7 हो गया, तो पॉजिटिव नंबर का कैरेक्टरिस्टिक तो सीधे इंटीग्रल पार्ट, नेगेटिव नंबर का कैरेक्टरिस्टिक उससे एक कम, उससे एक
कम, इसका इंटीग्रल पार्ट माइनस थ्री दिख रहा है, माइनस थ्री से एक और कम, यस, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा माइनस फोर, और मेंटिसा मिलेगा फ्रैक्शन पार्ट को वन में से घटा दो, यहां पर फ्रैक्शन पार्ट 0.7 है, तो मेंटिसा कितना आएगा 0.। आइए इसको देख भी ले कैसे, माइनस थ्री माइनस 0.7 लिखोगे आप यहां पर, इसमें प्लस वन माइनस वन करोगे आप तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर आ जाएगा, और माइनस 0.7 प्लस वन 0.3। देखो मैं तो सिंपल सा फंडा आपको बताता हूं, सिंपल सा फंडा, अगर लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो इंटीग्रल पार्ट है वही कैरेक्टरिस्टिक है, जो फ्रैक्शन पार्ट है वही मेंटिसा है। लॉग की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो इंटीग्रल पार्ट है वही कैरेक्टरिस्टिक है, और जो फ्रैक्शन पार्ट है वही मेंटिसा है। अगर लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इंटीग्रल पार्ट से एक कम कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शन पार्ट को वन में से घटाकर मेंटिसा। समझ में आया, समझ में आया, फिर सुनो, अगर लॉग की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है यस, तो सीधे इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और फ्रैक्शन पार्ट मेंटिसा। लेकिन अगर लॉग की वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है तो जो इंटीग्रल पार्ट दिख रहा है उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शन दिख रहा है उसको वन में से घटाओ मेंटिसा। हर बार ऐसी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए लॉग की वैल्यू, आओ कुछ एग्जांपल लें, मान लीजिए लॉग की वैल्यू माइनस 3.6 हो गई, तो बिल्कुल सही कह रहा हूं। मान लीजिए लॉग की वैल्यू माइनस 9.3 हो गई, तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस 10, मेंटिसा 0.7। मान लीजिए लॉग की वैल्यू माइनस 2.8 हो गई, कैरेक्टरिस्टिक माइनस 3 और मेंटिसा 0.2। ध्यान रखना कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा किसका होता है, लॉग की वैल्यू का होता है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा किसका होता है, लॉग की वैल्यू का होता है। क्या आपको बिल्कुल भली भांति कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, लेकिन मेंटिसा हमेशा फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट। मेंटिसा वन से बड़ा नहीं होगा, वन भी नहीं होगा, वो फ्रैक्शन है, केवल जीरो से वन के बीच में होगा। जीरो हो सकता है अगर लॉग की वैल्यू बिल्कुल इंटीजर आ जाए। क्या कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा क्लियर हुआ? कॉपी करिए, और एक और चीज देखें, एंटी लॉग। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा तो हम समझ गए, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा समझ में आ गया, एंटी लॉग भी देख लें और फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा की यूजफुलनेस की, कि भैया यूज कहां आएगा, क्या यूज आएगा। अब सुनो, एंटी लॉग अरे कोई शब्द नहीं है, लॉग का उल्टा। जैसे लॉग एट द बेस ए ऑफ बी कितना है, एक्स। अगर लॉग एट द बेस ए ऑफ बी एक्स है तो इसका क्लियरली मतलब हो जाएगा ए की पावर एक्स किसके बराबर है, बी। इसका क्लियरली मतलब हो जाएगा ए की पावर एक्स किसके बराबर है, बी। इसमें कोई खास बात नहीं है, ए की पावर एक्स बी के बराबर है। इसको हम पढ़ते हैं लॉग ऑफ बी एट द बेस ए इज एक्स, यही पढ़ेंगे। किसका लॉग, बी का लॉग, कौन सी बेस, ए पर, कितना है, एक्स है। ओके, बेस को फिक्स कर दो, बी का लॉग एक्स है, बी का लॉग एक्स है, तो एक्स का एंटी लॉग बी है। अब एंटी लॉग का मतलब समझो, एक्स का एंटी लॉग हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ एक्स एट द बेस ए। एंटी लॉग का मतलब होता है वो कौन सा नंबर है जिसका लॉग लेने पर एक्स आ जाए, तो एंटी लॉग ऑफ एक्स एट द बेस ए विल बी ए रेज पावर एक्स। एज, क्योंकि अगर लॉग एट द बेस ए ऑफ ए रेज पावर एक्स ले कितना आ जाएगा, एक्स। एंटी लॉग का मतलब होता है वो कौन सा नंबर है जिसका लॉग लेने पर कितना मिल जाए, एक्स। तो बेस ए पर किसका लॉग एक्स मिलेगा, ए की पावर एक्स का लॉग मिलेगा।
एंटी लॉग का मतलब है, मैं बोलूं एंटी लॉग ऑफ एक्स एट द बेस ए, अगर मैंने आपसे बोला एंटी लॉग ऑफ एक्स एट द बेस ए, तो इसका मतलब होता है इट मींस द नंबर हूज लॉग एट द बेस ए विल बी एक्स, वो नंबर जिसका लॉग एट द बेस ए कितना हो जाएगा एक्स। अब लॉग एट द बेस ए किसका एक्स होगा, ए की पावर एक्स का एक्स होगा। लॉग एट द बेस ए किसका होगा, ए रेज पावर एक्स का होगा। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, इज द वर्ड एंटी लॉग क्लियर। एंटी लॉग ऑफ एक्स एट द बेस ए कितने बराबर होगा, ए की पावर एक्स। लॉग पूछने का मतलब है ए को कौन सी पावर चढ़ाऊं कि बी आ जाए, और एंटी लॉग पूछने का मतलब है किस नंबर का लॉग लूं कि एक्स आ जाए। बी का लॉग है एक्स और एक्स का एंटी लॉग है बी, कौन सी बेस पर, ए की बेस पर। लॉग पूछने का मतलब है यार ए को कौन सी पावर चढ़ाऊं कि एक्स आ जाए, और एंटी लॉग पूछने का मतलब है यार किस नंबर का लॉग लूं कि एक्स आ जाए। तो कॉमन सेंस की बात है, लॉग निकाल तो नहीं सकते लेकिन एंटी लॉग तुरंत निकाल सकते हैं। भैया किस नंबर का लॉग लूं बेस ए पर कि एक्स आ जाए, ए की पावर एक्स का, ए की। तो एंटी लॉग तो हम खटाखट निकाल सकते हैं। घटिया से एग्जांपल, कोई आपसे पूछे एंटी लॉग ऑफ थ्री एट द बेस टू क्या निकल के आएगा, टू क्यू ए। एंटी लॉग का मतलब ही है किस नंबर का लॉग लूं मैं इस बेस पर ताकि मुझे 3 मिल जाए, किस नंबर का लॉग लूं मैं इस बेस पर ताकि मुझे 3 मिल जाए। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। अभी अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा डिस्कवर किया, और थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक की डिस्कवरी और कर लें, थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक की डिस्कवरी और कर लें। कॉपी करो पहले।